बांका के धुरैया थाना क्षेत्र में बम फटने से चार मासूम बच्चे जख्मी हो गए थे, जिनमें से दो की भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अहिरो गांव में एक घर के पास खेलने के दौरान बम फट गया था। पुलिस ने घटनास्थल से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की थी। इलाज के दौरान 8 वर्षीय कुर्बान और 5 वर्षीय सनीउल्लाह की मौत हो गई। मायागंज अस्पताल में दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर बांका पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। घटना शुक्रवार संध्या की है, जहां बांका के धुरैया थाना क्षेत्र की अहिरो गांव के पास मकसूद मोहल्ला में मोहम्मद इस्माइल अंसारी के 8 वर्षीय पुत्र कुर्बान व 11 वर्षीय मुस्तफा, मोहम्मद सद्दाम के 5 वर्षीय पुत्र सनल्ला और मोहम्मद असी सनाई का 7 वर्षीय पुत्र अबू अलीफा सभी चारों बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक बम फटने की तेज आवाज गूंज उठी। बम फटने से चारों मासूम बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी को धुरैया अस्पताल में इलाज के लिए नाजुक स्थिति में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति खराब देख भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान 8 वर्षीय कुर्बान और 5 वर्षीय सनीउल्लाह की मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना के बाद मोहम्मद इस्माइल अंसारी घर छोड़कर फरार हो गया है। इस्माइल अंसारी के घर के पास ही बम ब्लास्ट हुआ था। घटनास्थल से पुलिस ने बम बनाने की सामग्री भी बरामद की थी। घटना के बाद से पुलिस लगातार कैंप कर रही है। बच्चा लोग खेल रहा था, ठीक है, उसके बाद जो है शाम में अचानक यानी कुछ आवाज़ हुआ, उसके बाद आवाज़ होने के बाद पता चला कि गैस सिलेंडर फटा। गैस अरे मौत के ठुका हुआ है, ये बताइए मौत के ठुका हुआ है। और क्या नाम है उसका? एक वो सनाउल है, एक तो कुरमान। भागलपुर शहर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इसको लेकर जिलाधिकारी के आदेश अनुसार ई रिक्शा चालकों को कोडिंग कर शहर में ई रिक्शा चलाने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर भागलपुर यातायात पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा चालकों को कोडिंग करते हुए उसका रूट सुनिश्चित किया गया है। वहीं अगर किसी ई रिक्शा चालक ने अपने ई रिक्शा में कोडिंग नहीं कराई है तो उस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेगी और आर्थिक दंड भी देगी। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द ई रिक्शा चालक कोडिंग करा ले, वरना उन्हें आर्थिक जुर्माना देना होगा। सभी जो टाउन में टोटो वाले टोटो चला रहे हैं, ड्राइवर हों या मालिक हों, सबों से अपील है कि अभी कोडिंग का काम चल रहा था, 10 तारीख तक लोगों में भ्रांति आई है कि 10 तारीख तक ही चलेगा। कोडिंग का काम अभी बाकी है, जो लोग कोडिंग नहीं कराए हैं उन लोगों से अपील किया जाता है कि आके आप कोडिंग कराएं। राज ट्रांसपोर्ट बस डिपो में कोडिंग का काम चल रहा था और बहुत सारे लोग कोडिंग बिना कराए रोड पे घूम रहे हैं तत्त, उनको एक बार आप हिदायत भी समझें इसको कि आप अगर नहीं कराते हैं कोडिंग, वहाँ लड़के बैठे हुए हैं करने वाले और बिना कोडिंग के आप जहाँ तहाँ चला रहे हैं तो आपको पकड़ा जाएगा, तो आप जुर्माना के हकदार होंगे और ये आदेश का अवहेलना कहा जाएगा। आप लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, आप लोग कोडिंग कराएं तो उसके बाद रोड में गाड़ी चलाएं। 1989 के दंगे को याद दिलाते हुए बिहार प्रदेश जदयू परामर्शदात्री प्रकोष्ठ के नेता राजेश राणा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा पर जोरदार प्रहार किया। राजेश राणा ने कहा कि भागलपुर में कांग्रेसी खूनी पंजा खेल 1989 से भागलपुर दंगे के रूप में खेला गया है। इस बार फिर से महागठबंधन को जनता जवाब देगी और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को बुरी तरह से हराकर भारी बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल को जीत दिलाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल को 4 लाख वोट से विजय होने की बात कही और पूरे देश में 400 सीट से ज्यादा सीट लाने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां अजीत शर्मा अजय मंडल पर कई आरोप लगाते दिख रहे हैं, वहीं विधायक होने के नाते अजीत शर्मा ने 8 साल में क्या किया वो तो पहले जनता को बता दे। साथ ने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने की बात हो, भोलानाथ पुल की बात हो या फिर विक्रमशिला समानांतर पुल बनने की बात हो या फिर संसद में सवाल उठाने की बात हो, सभी में सांसद अजय मंडल का अहम रोल है। इसलिए एक बार फिर से अजय मंडल भारी से जीतेंगे। साथ ने कहा कि भागलपुर की जनता को फिर से नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेता को फिर से देखना चाहिए, इसलिए अजय मंडल को फिर से भागलपुर की जनता भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, ये जो बार बार यूपीए प्रत्याशी के द्वारा अजय मंडल जी जो वर्तमान सांसद है भागलपुर, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछे, पिछले 5 साल में कोई भी इनके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य का नहीं हुआ, उनके इस झूठे जवाब का, उनके झूठे आरोप का आज हम जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं।
उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि सांसद ने सवाल नहीं किया, आप लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सांसद महोदय ने जवाब दिया था कि लोकसभा में पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने 200 सवाल किया और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी की और उस सवाल का क्रियान्वयन भी धरातल पर उतरा है, जिसका जीता जगता उदाहरण है भालपुर का एयरपोर्ट, गंगा ब्रिज का समांतर ओवरब्रिज, 4 लेन जो कार्य चल रहा है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 1989 में ही इस देश से लोगों ने निकाल दिया था और एक ही नारा है कि 1989 का खूनी पंजाब, भागलपुर का दंगा जो पूरे हिंदुस्तान को समसार करने का काम किया था, आपस में तोड़वाने का काम किया था। और कांग्रेस का यहाँ पे क्या भागलपुर में कोई वजूद है? वो जिसके वोट पर पिछले 8 साल से है, क्या उनके लिए उनका दरवाजा खुला है? वो अपने गृहान पे झांके देखे वो कहाँ तक है, और ये वक्त बता देगा, भागलपुर लोकसभा की जनता बता देगी कि अजय मंडल एक पिछड़ा का बेटा है और एनडीए ने सोच समझ के एक पिछड़ा के अत्यंत पिछड़ा के बेटा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वो जितना ही झूठा आरोप लगाएंगे उतना ही मत से के अंतर से उन्हें पुनः यूपीए को पराजित करेंगे। अच्छा, क्या लगे? 4 लाख+ देश में, और देश में क्या स्थिति है? देश में हम लोग 400 पार करेंगे। 400 पार जी। भागलपुर की जनता से क्या अपील होगी? भागलपुर की जनता से यही अपील है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं बिहार के विकासशील पुरुष नीतीश कुमार जी के अगुवाई में जो पिछले 19 साल में बिहार में विकास हुआ है, इस विकास को देखते हुए आप देखे होंगे लोग मुस्लिम की बात करता है, वोट का जब समय आएगा उसी मुस्लिम समुदाय के लिए एक कलम से नीतीश जी ने, इसी एनडीए सरकार ने 8000 कब्रिस्तान का घेराबंदी काम कराने का काम किया था। तालीमी मरकज जिनको कि 1500-1600 तनख्वाह मिलता था, आज 22000 मिल रहा है, यही एनडीए सरकार की देन है। हर घर को 5 किलो अनाज मिल रहा है, यही एनडीए सरकार की देन है। और यूपीए सरकार जो आजादी के पिछले 50-60 साल जो देश में राज किया, वो अपने कार्यकाल का हर चीज गिना दे, आरोप लगाने से कोई आदमी झूठा नहीं हो जाता है। भागलपुर की जनता को मुंहतोड़ जवाब देगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। The cat sat on the mat.
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में है, जिसको लेकर पुलिस लगातार शहर में छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं आज मिशन सुरक्षा के तहत सजौर थाना में एक व्यक्ति को एक पिस्टल, एक कट्टा, 7 कारतूस और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि भागलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि सजौर थाना के ग्राम फुलवरिया में एक व्यक्ति अवैध शराब का कारोबार करता है और हथियार भी रखता है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु SSP के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी करते हुए देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस और विदेशी शराब के साथ भवेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था ने दी। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में हम सभी जो है आगामी लोकसभा चुनाव के तैयारियों में जुटे हुए हैं और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार रेड और छापामारी कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है दिनांक 12/4/2024 को भागलपुर पुलिस के को सूचना मिली कि सजौर थाना के फुलवरिया में एक व्यक्ति जो है अवैध शराब का कारोबार करता है और साथ में हथियार भी रखता है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम ने छापामारी करते हुए देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस एवं विदेशी शराब के साथ भवेश कुमार सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया। बरामदगी में है एक देसी पिस्टल है, देसी कट्टा एक है, कारतूस 7 है, विदेशी शराब है जो कि 4.875 लीटर है। जो गिरफ्तारी हुई है भवेश कुमार की, इनके पिता छोटेलाल सिंह हैं, साकिन फुलवरिया, थाना सजौर, भागलपुर जिला। भवेश कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है पहले का, जिसमें एक जो है सजौर कांड संख्या 138/17 जो धोखाधड़ी से संबंधित है, 207/17 मारपीट से संबंधित है और 208/17 है जो कि पुलिस अभिरक्षा से फरार होने से संबंधित है। छापेमारी दल का दल के सदस्य के रूप में सूरज सिंह, थाना सजौर, पुअनी राम रामायण सहनी जी हैं सजौर से, बहादुर राय सजौर थाना, वाल्मीकि राय सजौर थाना और सशस्त्र बल सजौर थाना के साथ ये छापेमारी की गई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहकुंड व सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के मिरहट्टी गांव के समीप 2 बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद 112 की गाड़ी पहुंची और घायल पीयूष कुमार, राहुल कुमार, सचिन कुमार को इलाज के लिए रेफर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखकर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। रात में हम अपना गाड़ी लेके जो है ना थाना ही आ रहे थे, तो मिरहट्टी चौक के आगे आपस में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़त हो गया है, जो पूरी तरह से जख्मी तीनों है, जो नाजुक स्थिति बना हुआ है। मोटरसाइकिल में टक्कर? हाँ, दोनों आपस में मोटरसाइकिल आमने सामने टक्कर। कहाँ के लोग हैं ये सब? ये लोग एक मिरहट्टी के हैं, दो को अपना घर साहबाद बता रहे हैं। नाम जान रहे? नाम नहीं जान रहे किसी का। ये एक लड़का का नाम जानते हैं कि जो है आशा सेविका है, उसी का भतीजा है। आप तो जिला पार्षद हैं अरुण जी? जी जी। आप ही लोग इनको अस्पताल आए? हाँ, हमने अपने गाड़ी से आ रहे थे तो सबको गाड़ी में अपने से लोड करके हमने यहाँ पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी सर से हम मुलाकात करने के लिए ही आ रहे थे, थाना ही सर से बात हुआ था कि हम आ रहे हैं सर, देखें रास्ते में एक्सीडेंट किया हुआ था। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची? हाँ, घटनास्थल पर प्रशासन पहुंचा हुआ था, वहाँ एम्बुलेंस लेके साथ में। किस जगह घटना हुआ था? मिरहट्टी मोड़ के आगे हुआ है।